इस प्रमेय को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, परिभाषा आप किताब से लिख लेंगे, मैं यहां बता रहा हूं, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज में खास बात ये होती, कितनी भुजाएं बराबर होती है, तीन हो गई दो, तब भी समद्विबाहु रहेगा। ये अलग बात है कि उसके अंदर एक और गुण आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु के तो वही है ना, इसकी दो भुजाएं बराबर है, हमें उसका आगे सोचना ही नहीं। तीन वाले में तो अच्छी बात है, तीनों बराबर हो गई। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज में जरूरी नहीं कि तीनों भुजाएं बराबर हो, लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है, दो तो उसके बराबर ही है, तो इसलिए सारे समबाहु त्रिभुज दुनिया के समद्विबाहु होते हैं और सारे समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु नहीं होते। ये बताने का अर्थ यह है कि समबाहु त्रिभुजों के अंदर जितने गुण हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज के पिताजी, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज से ही समबाहु त्रिभुज बनता है जब उसकी तीसरी भुजा भी बाकी दोनों के बराबर हो जाए। तो जितने गुण समद्विबाहु त्रिभुज में होते हैं वो सारे के सारे गुण किसके अंदर होते हैं, समबाहु त्रिभुज। लेकिन समबाहु त्रिभुज में जो गुण है वो जरूरी नहीं है कि समद्विबाहु त्रिभुज, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम प्रमेय पर बात, यानी जितनी प्रमेय हम समद्विबाहु त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे वो सारी प्रमेय समबाहु त्रिभुज के लिए सत्य होंगी, इसलिए उन त्रिभुज के अपने सिलेबस में उन प्रमेय को समबाहु त्रिभुज के लिए सिद्ध करने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में केवल वही प्रमेय सिद्ध करने के लिए दिए हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज में गुण नहीं होते। तो आप अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि कौन से गुण किसके हैं। तो समद्विबाहु के याद कर लोगे, समबाहु के तो हो ही गए, समबाहु में अलग से विशेष होते हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज में नहीं होते, ठीक है। प्रमेय का नाम है प्रमेय सात। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। क्या है कथन इसका, साथ साथ लिखते चलेंगे, थोड़ा काम कम हो जाएगा, जब हम समझाएंगे तब लिखना बंद कर देंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के लिखना बंद कर दीजिए, अभी तो देखिए सभी लोग लिखना बंद करेंगे, सबसे एक एक करके नहीं कहूंगा, इतने सारे बच्चों से एक एक करके कहूंगा समय खत्म हो जाएगा, जब हम कुछ कहें तो सब लोग समझ जाए करो कि सबसे जाए, केवल उनसे नहीं कह रहे हैं जिनकी तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में कैसा त्रिभुज है बनाओ, इसे नींद आ रही है बच्चे को, है कोई बात नहीं, ज्यामिति पढ़ गए अच्छे बच्चों को नींद आ जाती है। समद्विबाहु है इसलिए इसकी दोनों भुजाएं कौन सी वाली बराबर होंगी ये तो वही डिसाइड करेगा जिसने त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज किसने बनाया, तो ये मत कहना कि ये वाली बराबर क्यों नहीं, मैंने त्रिभुज बनाया तो मैंने ये वाली बता दी, ठीक है, तुम बनाओगे तुम इन वाले से कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, समद्विबाहु का गुण ये है कि दो भुजाएं बराबर है, कोई से भी दो बराबर ले लो, तो हमने ए बी और ए सी को बराबर ले लिया, तो हमें क्या ज्ञात है इसमें, हमारी जानकारी में क्या क्या बात सवाल मिलती है, उसने बताया त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी बार, तो गणित में बात करें, हम यहाँ थोड़ी ना हिंदी की व्याख्या लिखने के लिए आए हुए, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर, उनका नाम लिख के बराबर लिख दिया, क्या दिक्कत है, तुम्हें दिक्कत है कोई नहीं, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, फिर मैं पढ़ के कथन पढ़ के पता नहीं लग रहा, बताओ आप लोग बताओगे क्या सिद्ध करना है, कोण बराबर, कोण भी बराबर।
हाँ दो भुजाएं बराबर हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर। मेरे सम्मुख कौन बैठा है? आप लोग, आपके सम्मुख कौन है? मैं हूँ। सम्मुख का मतलब आमने सामने। ऐसे ही इस त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर है, इसके सम्मुख कोण कौन सा है? ये वाला। और इसके सम्मुख कोण कौन सा है? तो मुझे क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर, अगर ए सी है तो ए बी के सामने वाला कोण यानी कोण सी बराबर है कोण बी। ये मुझे सिद्ध करना है। समझ आ गया? ये बेटा तुम सारी कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। सर इसमें ऐसे लगा तुमने मुंह उधर घुमा लिया, हाथ भी रख लिया कि दिख ना जाए उधर वाली, इधर मुंह कर गया है, उसके बाद भी तुम्हारी आंख से इधर बोल पे। सर क्या बात है, ऐसे क्या दुश्मनी बेटा? पढ़ाई से खड़े हो जाओ। हाँ हाँ खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? दीपांशु। क्या दिक्कत है बेटा? कोई नहीं, हम क्या कर रहे हैं? हाँ तो बोर्ड पे लिखा तो है कथन, इसमें से देख के बोलना है। ठीक है इधर ही देख के करो। हाँ बोलो, क्या समस्या है? अरे कौन बच्चा कुछ कह रहा था अभी? सर हम जा रहे थे। हाँ बोलो सर, इसमें बुक में कहा कोण बी बराबर कोण सी है। उससे कोई फर्क नहीं है, हमने एक टेक्निकल पॉइंट पकड़ा, हमने कहा ए बी बराबर ए सी। और हमारे प्रमेय क्या कह रही है? समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख, मतलब ए बी को ए सी के बराबर लिया है तो ए बी के सामने सम्मुख कोण कौन सा है? और ए सी के सामने सम्मुख कौन सा है? इसलिए मैंने यहाँ पर सी बराबर बी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्निकल राउंड पे चलते हैं। ठीक है बैठिए मैडम, आप तो सिद्ध करना है यहाँ पर। अब करेंगे इसमें रचना। रचना क्या है? बिंदु ए से भुजा बी सी पर लंब ए डी खींचा। दो तरीके से करते हैं, कुछ किताबों में लंब खींच के किया है, कुछ किताबों में ऐसे कहा है कि मैं इसकी माध्यिका बना दूं, इसके मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दूं। और मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दे तो क्या कहते हैं उसको? माध्यिका। ऐसी रेखा, ऐसा रेखाखंड जो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाता है उसे क्या कहते हैं हम? ये बच्चा खड़ा हो जाता है, ये बराबर में। हाँ खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद उवैस। तो परेशान हो, क्या होगा बताओ, क्या कह रहा है? किताब लौट दी थी। बेटा इधर ध्यान दो, तो किताब की चिंता मत करो, है ना, इधर ध्यान दो, सवाल किताब देखोगे तभी समझ में आएगा। बैठो तुम, खड़े रहो, तुम बैठने को दिखेगा भी, खड़े रहो बिल्कुल, खड़े होकर देखो। आगे 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 बैठ जाओ, इसके पास बैठ जाओ। तो बिंदु ए भुजा बी सी पर लंब की जगह ऐसा करते हैं, बिंदु ए से भुजा बी सी के मध्य बिंदु डी को मिलाने पर मिलाए। ठीक है, या एक दूसरे शब्द में आप कभी कभी शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, माध्यिका ए डी खींची। इन दोनों में से कोई भी ए, अगर आप माध्यिका समझ गए हो तो लिख दो माध्यिका ए डी खींची, कोई राम कहानी बहुत लंबे लिखने की जरूरत नहीं। और अगर आप नहीं समझे हो माध्यिका को, तो भाई यहाँ डी है मध्य बिंदु है बी सी का, तो ये दोनों बराबर है, इसके मध्य बिंदु से कहाँ मिला दिया हमने? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं उत्पत्ति। हमारे पास दो त्रिभुज आ गए, कौन कौन? ए डी बी और ए डी सी। त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे हम क्या क्या चीजें बराबर है। बताओ जरा क्या क्या चीजें बराबर है? अच्छा ये तो सिद्धि करना है, इससे सवाल क्यों कर रहे हो फिर? अगर तुम्हें कोण बराबर पता है तो हम सवाल कर क्यों रहे हैं? ये तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या क्या पता है? कौन ए बी? कौन ए बी? तो भुजा है, क्या है? ए बी बराबर ए सी। ए बी तो भुजा है बेटा, कौन क्यों कह रहे हो? ए बी भुजा बराबर है किसके? और बताओ क्या है? बी ए डी, अगर सी ए डी के बराबर है तो सवाल ही क्यों हल कर रहे हैं?
कौन से बताओ क्यों है बराबर, कोई कारण तो है नहीं हमारे पास बराबर, नहीं कारण बताना पड़ता है ये क्यों बराबर है। इसके बाद है एडी बराबर एडी अवेयरनेस, उसके बाद बीडी बराबर डीसी क्यों है रचना भी तो यही है कि इसके मध्य बिंदु को हमने ऐसे मिलाया है तो रचना में तो हमने ऐसे मध्य बिंदु मान लिया ना डी को, तो रचना से कह दिया हमने। अब तीन भुजाएं दो त्रिभुजों के बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ त्रिभुज ए डी बी सर्वांशम हो गया त्रिभुज ए डी बी, क्यों किस पर में से हुआ एस 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 ठीक है। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगम हो गए फिर इनके बाकी सारे भाग भी, अब कौन से भाग है इसके बी बराबर सी, कोण बी बराबर कोण सी, क्यों